अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। मेरे फ्रेंड क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। कुछ आप नहीं कहते 50 न्यूज टीवी HD में। फ्रेंड्स आप ये पहले वीडियो देखिए, वीडियो के बाद फिर मिलते हैं। ये वो बच्ची है, इसका नाम है मदीहा, इसकी उम्र है 20 साल और ये इस वक्त डाओ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ओ आई सी डी का जो डिपार्टमेंट है, चेस्ट का डिपार्टमेंट है और थोरासिक सर्जन के अंडर ट्रीटमेंट है। ये बच्ची एडमिट है यहाँ पे। 23 तारीख को इसको एडमिट किया था, मुख्तलिफ वक्तों में इसको OPD में बुलाया गया और इसको उसके बाद इसको ऑपरेशन की डेट दी गई आज की, यानी 26 नवंबर की। 23 नवंबर को इसको एडमिट किया गया, उसके बाद से मुख्तलिफ टेस्ट होते रहे सारे। 24th को इसका कोविड का टेस्ट हुआ और कोविड के कोई सिम्टम नहीं है, अभी तक भी नहीं है ना पहले थे। इनकी पूरी फैमिली टेस्ट करा चुकी है अपने, उनको भी किसी को नहीं है। उसके बाद आज इसको सुबह में, रात को इसको बता दिया गया कि कुछ नहीं खाना पीना है और सुबह इसको जब OT में लेके गए, OT में ले जाने के बाद एनेस्थीजिया दिया गया है। एनेस्थीजिया देने के बाद इसके कट लगाया गया है, ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, उसके बाद कोविड की रिपोर्ट आई है और ऑपरेशन अधूरा छोड़ के इसके स्टिचेस लगा दिए गए और स्टिचेस लगाने के बाद कहा कि कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इसलिए सर्जन साहब ने ऑपरेशन जो है वो अधूरा छोड़ दिया है। तो अब आप सबसे मेरी गुजारिश है, सोशल मीडिया के जितने भी एक्टिविस्ट हैं, कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको गवर्नर को पहुँचाएँ, इसको वज़ीर आला सिंध को पहुँचाएँ, वज़ीर सेहत सिंध को पहुँचाएँ, प्राइम मिनिस्टर को पहुँचाएँ और तमाम मीडिया ग्रुप से, मीडिया चैनल से रिक्वेस्ट है कि वो ICD का विज़िट करें और इस बच्ची की जान बचाने की कोशिश की जाए, जो कि बहुत। जी फ्रेंड, आपने ये वीडियो देखी, आपको पता चल गया होगा कि पहले ये नॉर्मल थी, इसका इनका कुछ भी नहीं था। ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे थे, बल्कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर चले गए, कट लगा दिया, ऑपरेशन की तैयारियों की बाद में कह रहे जी कोरोना हो गया। कोरोना इनको है नहीं, ये ज़बरदस्ती कोरोना इस बच्ची पे डाला जा रहा है और इसकी जो फैमिली है वो इंसाफ चाहती है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये डॉक्टर पैसे के लिए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? इनको कुछ नहीं है, पहले सब कुछ हो गया, रिपोर्टें हो गई, पूरे जो टेस्ट है वो हो गए, कुछ भी नहीं। ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करने के कट लगा दिए, अब बाद में स्टिचेस लगा के, टांके लगा के और उसको भेज दिया। ये कोरोना है, ये किधर का कोरोना है? इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। आप लोग आवाज़ उठाइए, इन गरीब की बच्ची है, क्या ज्यादती कर रहे हैं डॉक्टर? ये क्या चाहते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? इनको अल्लाह को जानने देने को, इनको खौफ खुदा नहीं है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, शेयर करें। वज़ीर आला साहब, वज़ीर आज़म साहब, हमारे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब है, उनको भी इस चीज़ का पता चले कि हॉस्पिटलों में गरीबों के साथ क्या हो रहा है। ये नया पाकिस्तान है, आप नए नए डॉक्टर अपने तरीके हम जा रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? वज़ीर आला सिंध साहब, जो सिंध के जो हुकूमत भले हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ इस चीज़ का नोटिस ले और इनके साथ इंसाफ किया जाए, ज्यादती ना हो जाए, किसी के साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और इंशाल्लाह ताला आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, इस चीज़ को हमने रोकना, इस बच्चे की मदद होनी चाहिए, इस बच्चे की जो फैमिली के साथ मदद होनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला हमें पता चला बहुत तकलीफ हुई है और आपने इस चीज़ का भरपूर साथ देना, हमने इस चीज़ को रोकनी है, हमने इस फैमिली की मदद करनी है अल्लाह के लिए, अल्लाह के रजा के लिए। इंशाल्लाह ताला मेरे फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमने जितने ऐसे हैं गरीब मस्कीन बहन भाई हमारे, हम उनके हक के लिए, सपोर्ट के लिए खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे, मरते दम तक हक सच की आवाज़ उठाएंगे। इंशाल्लाह ताला हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस वीडियो को फैलाएं। जो अपने पाकिस्तानी है, अपने जो सिंध के वज़ीर आज़म, वज़ीर आला है, अपना वज़ीर सिंध के जो वज़ीर है, उन तक बात पहुँचे, इस चीज़ का नोटिस ले, इनके साथ इंसाफ किया जाए, इस बच्चे की ज़िंदगी बचाया जाए। एक ज़िंदगी बचाना, पूरी इंसानियत बचाना है। फ्रेंड आपने मेरा साथ देना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक फिर मिलते हैं, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़।